विमेन्स इंडियन टीम ने भी पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया तो हैरान रह गए दुनिया भर के दिग्गज। जी हाँ दोस्तों, आज विमेन्स एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का आमना सामना हुआ, जहां भारत ने पाकिस्तान को बेहद ही बुरी तरह से हरा दिया, जिसके बाद इस पर दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गजों का रिएक्शन सामने आया है। शोएब अख्तर, इरफान पठान, रिकी पॉन्टिंग और कुमार संघाकरा ने इस पर कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। जी हाँ, पूरी खबर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, विमेन्स एशिया कप की शुरुआत हो चुकी है और आज टीम इंडिया ने अपना पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला। ये मैच श्रीलंका के रंगिरी डम्बुला स्टेडियम में खेला गया, जहां पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि उनके बल्लेबाज इस फैसले पर खरे नहीं उतर पाए। टीम इंडिया ने पाकिस्तान को सिर्फ 108 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया। पाकिस्तान की हाईएस्ट स्कोरर हमीन रही, जिन्होंने 25 रन बनाए। वही टीम इंडिया की तरफ से दीप्ति वर्मा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके। वही रेणुका सिंह, पूजा वस्त्रकार और श्रेयंका पाटिल ने 2-2 विकेट झटके। भारत की महिला टीम ने भी पाकिस्तान को पूरी तरह से पस्त कर दिया। वही इसके बाद 109 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत शानदार रही। स्मृति मंधाना और सेफाली वर्मा ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। खास करके सेफाली वर्मा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रही थी। पावर प्ले के 6 ओवर में ही टीम इंडिया ने 57 रन ठोक दिए थे। इसके बाद टीम इंडिया को जीत के लिए सिर्फ 52 रनों की जरूरत थी। इसके बाद तो मंधाना ने भी अपना गियर चेंज कर दिया और टीम इंडिया ने इस मैच को बेहद ही आसानी से जीत लिया। वही दोस्तों, टीम इंडिया की इस एक तरफा जीत पर अब दुनिया भर के क्रिकेट के दिग्गजों ने रिएक्ट किया है। सबसे पहले शोएब अख्तर ने कहा, टीम इंडिया की विमेन्स टीम भी मेन्स टीम की तरह ही है, अपने विपक्षी को बुरी तरह से हरा देते हैं। भारत की मेन टीम, बी टीम और विमेन्स टीम सभी खतरनाक है। पाकिस्तान की विमेन्स टीम ने आज जिस तरह से खेला, उससे पता चलता है कि पाकिस्तान की क्या हालात है। इसके बाद इरफान पठान ने कहा, क्या बुरी तरह से हराया है भारतीय टीम ने पाकिस्तान को। हमने तो सोचा था एटलीस्ट यहां हमें एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन यहां भी पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेक दिए। इस टीम का कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान की विमेन्स टीम भी मेन्स टीम जैसे ही कमजोर है। दोस्तों, इसके बाद कुमार संघाकरा ने कहा, भारत की ये विमेन्स टीम इतनी मजबूत है कि ये पाकिस्तान की मेन्स टीम को भी हरा सकती है। इस मैच में पाकिस्तान की टीम बिल्कुल ही बेबस नजर आई। वही टीम इंडिया चैंपियंस की तरह खेली है। जिस तरह से आज टीम इंडिया ने प्रदर्शन किया, उससे यही लग रहा है ये भी डोमिनेंट करते हुए इस टूर्नामेंट को जीत जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद रिकी पॉन्टिंग ने कहा, पाकिस्तान की विमेन्स टीम की वही हालात है जो पाकिस्तान की मेन्स टीम की है। टीम इंडिया की विमेन्स टीम ने भी दिखा दिया कि वो क्यों दुनिया की नंबर 1 टीम है। भारतीय टीम इस एशिया कप को बेहद ही आसानी से जीतने वाली है, क्योंकि इनको टक्कर देने वाली कोई ऐसी टीम ही नहीं है। स्मृति मंधाना और सेफाली वर्मा ने आज क्या बल्लेबाजी की है, मजा आ गया उनकी बल्लेबाजी को देख। अब भारत और पाकिस्तान में कोई रिवालरी नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान भारत के सामने अब बेहद ही छोटी टीम है। दोस्तों, भारत विमेन्स टीम की जीत पर कुछ ऐसे थे क्रिकेट के दिग्गजों के बयान। इस पर अपनी राय नीचे कमेंट जरूर करें। वही दोस्तों, भारतीय टीम से बुरी तरह हार मिलने के बाद पाकिस्तान टीम की कप्तान निदा दर से जब इस हार का कारण पूछा गया, तो निदा ने बात करते हुए कहा कि आज मैं बोहा शर्मिंदा महसूस कर रही हूं, क्योंकि भारतीय टीम ने आज हमें इस तरह की हार सौंपी है जिससे बाहर निकलना काफी मुश्किल है। हम सभी जानते हैं कि चाहे मेंस टीम हो या विमेन्स, जब भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ खेलती है तो मैच में काफी ज्यादा प्रेशर होता है जीतने का, और इसमें सही मायने में भारत हमसे कहीं ज्यादा बेटर है। हम सभी खिलाड़ी प्रेशर में परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन भारतीय टीम बड़े और प्रेशर मुकाबले में ही अच्छी क्रिकेट खेलती है। आज भी दबाव के चलते हमारी बैटिंग लाइनअप उनकी गेंदबाजों के सामने पूरी तरह से चोक कर गई। हमारे पास उनके खिलाफ कोई रणनीति ही नहीं थी। हरमनप्रीत कौर ने अपने गेंदबाजों का सही तरह से इस्तेमाल किया था। उनके गेंदबाजों को खेलना काफी मुश्किल हो गया था। जब हम 108 रन्स ही बनाते हो तो जाहिर तौर पर वहां से मैच जीतना असंभव है, वो भी खासकर भारतीय टीम जैसी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के खिलाफ।
अगर कोई और टीम होती तो हम मैच जीतने का जरूर सोच सकते थे, लेकिन इस बैटिंग लाइनअप के सामने हमने पहले इनिंग्स में ही हार मान ली थी। इस टीम से हमें काफी कुछ सीखना है कि प्रेशर में किस तरह से क्रिकेट खेलनी चाहिए। मेरी राय में आप मेंस की बात करो या विमेंस, इस समय भारतीय टीम ही सबसे सर्वश्रेष्ठ टीम है। उम्मीद है जब अगली बार इनके खिलाफ मुलाकात होगी तो हम बेहतर प्लान्स के साथ उतरेंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि आज जो इनकी टीम ने हमें एक तरफा अंदाज में हराया है, इसने हमें काफी गहरा चोट दे दिया है। उम्मीद है हम वापसी करेंगे। दोस्तों, आपकी राय में क्या भारतीय विमेंस टीम भी मेंस टीम जैसे एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चलिए अब आपको बताते हैं पहले T20 मैच के लिए सूर्या कुमार यादव ने किस किस को अपनी प्लेइंग 11 में जगह दी है। ओपनिंग की बात करें तो यहां पर कोई शंका नहीं है, सूर्या ने शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल को ही ओपनिंग की जिम्मेदारी दी है। जिम्बाब्वे के खिलाफ भी आखिरी 3 T20 मैचेस में इनकी जोड़ी ने ही ओपनिंग की थी। जायसवाल ने तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर शानदार प्रदर्शन किया था। वही गिल ने भी रन जरूर बनाए थे लेकिन उनका स्ट्राइक रेट काफी कम था। इस सीरीज में गिल अपना स्ट्राइक रेट सुधारना चाहेंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पर सूर्या ने ऋषभ पंत को जगह दी है। पंत ने T20 वर्ल्ड कप में भी तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी की थी और इस नंबर पर उन्होंने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। उम्मीद यही है कि आगे चलकर पंत इसी नंबर पर टीम इंडिया के लिए खेलते दिखेंगे। इसके बाद चौथे नंबर पर खुद सूर्य कुमार यादव आएंगे। इस नंबर पर सूर्या ने खेलते हुए काफी कमाल की बल्लेबाजी की है, हालांकि अब उन पर कप्तानी की भी जिम्मेदारी होगी। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या वो अब भी उसी बेकॉफ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं या नहीं। वही फिर पांचवें नंबर पर ऑलराउंडर के तौर पर हार्दिक पांड्या खेलेंगे। पांड्या कप्तान तो नहीं है पर वो इस टीम में मेन खिलाड़ी होंगे। बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी टीम को उनसे काफी उम्मीदें होंगी। अच्छी बात ये है कि उन पर कप्तानी का कोई दबाव नहीं होगा तो वो अपना गेम खुलकर खेल पाएंगे। इसके बाद छठे नंबर पर सूर्या ने रिंकू सिंह को रखा है। IPL और टीम इंडिया के लिए रिंकू ने ज्यादातर इसी नंबर पर बल्लेबाजी की है और उन्होंने हर बार प्रदर्शन करके दिखाया है। इस सीरीज में भी शानदार प्रदर्शन कर वो टीम में अपनी जगह पक्की करना चाहेंगे। इसके बाद दो स्पिन ऑलराउंडर के रूप में सूर्या ने अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 में जगह दी है। अक्षर लेफ्ट आर्म स्पिनर है तो सुंदर राइट आर्म स्पिनर है। दोनों की जोड़ी टीम में एक बैलेंस लेकर आएगी। वही दोनों लेफ्टी बल्लेबाज भी हैं और अंतिम ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की क्षमता भी रखते हैं। इसके बाद एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के तौर पर सूर्या ने रवि बिश्नोई को टीम में जगह दी है। कुलदीप इस स्क्वाड में नहीं है तो बिश्नोई उनकी जगह टीम के मेन स्पिनर होंगे। जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की थी। इसके बाद सूर्या ने टीम में दो तेज गेंदबाजों को रखा है और वो है अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज। अर्शदीप ने T20 वर्ल्ड कप में कमाल की गेंदबाजी की थी। वही मोहम्मद सिराज तो श्रीलंका के खिलाफ हमेशा घातक गेंदबाजी करते हैं। ऐसे में ये दोनों की जोड़ी श्रीलंका के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह है पहले T20 मैच के लिए सूर्य कुमार यादव की प्लेइंग 11। सूर्या ने संजू सैमसन और शिवम दुबे अपनी टीम में जगह नहीं दी है। आपको कैसी लगी ये टीम? क्या इसमें कोई बदलाव होना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट जरूर करें।